मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को सीएमआर में पत्रकारों से रूबरू हुए। गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने बयानों में अलवर के थानागाजी मामले का जिक्र किया है, जबकि उनको इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन चुनावी मकसद से मोदी ऐसा कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार इस मसले पर पूरी तरह से गंभीर है। गहलोत ने आरोप लगाया कि मोदी से देश के संविधान को खतरा है और साथ ही कहा कि आरएसएस को राजनीतिक दल घोषित कर देना चाहिए। सीएम ने मायावती के बयान पर कहा कि वो दलित नेता हैं और इसीलिए उनका दर्द और चिंता उचित है। सरकार को जैसे ही इतला मिली एसपी को 30 तारीख को और 1 तारीख को और 2 तारीख को FIR लॉन्च हो गई और लगातार कार्रवाई हो रही है और सब मुजरिम पकड़े गए हैं। जिस रूप में राजनीति हो रही है थानागाजी को लेके चुनाव जीतने के लिए, मैं समझता हूँ जनता समझती इन बातों को और मोदी जी को समझना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री देश के हैं। उस रूप में आप बिना जानकारी के आप इस रूप में जो कार्रवाई कर रहे हैं ऊँचे नहीं कही जा सकते। आज़ादी के बाद में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि आम आदमी को लगने लग गया कि लोकतंत्र खतरे में और संविधान भी खतरे में। सारी संस्थाओं की धज्जियाँ उड़ा रखी है, चाहे सब दबाव में काम कर रहे हैं, चाहे जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो, CBI हो, इनकम टैक्स हो या ED हो, जो संस्थाएँ 70 साल में बनी हैं और जिसकी प्रतिष्ठा पूरे विश्व में है, उनके बारे में ऐसी धारणा बनना ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और तो नोटबंदी के हिसाब जो है, RBI को 2 साल लग गए ना पार्लियामेंट के अंदर और ना पार्लियामेंट के बाहर हिसाब देने में, जबकि बैंकों के हिसाब शाम तक पूरे हो जाते हैं। मोदी जी और अमित शाह जी दो ही चेहरे हैं देश के अंदर जो राज कर रहे हैं। सारे RSS के बंदों को बिठा दिया तमाम डिपार्टमेंट के अंदर, आप मेरे के RSS के लोग होंगे तो सबको बिठा दिया गया RSS के अंदर, उसके अंदर एक एक बंदे को बिठा दिया गया। और साथ में क्या हुआ, क्या हो रहा है, बिठा दिया गया उनके ऊपर पत्ता ही नहीं रहता डिपार्टमेंट। सेक्रेटरी को बुलाया जाता PMO के अंदर, मंत्री बैठे हुए हैं, बड़ी बेइज्जती होती है उनकी। सारी संस्थाओं में RSS का कब्जा, सारे वाइस चांसलर RSS के, मंत्री कौन बनेगा RSS तय करते हैं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा RSS तय करते हैं। तो मैंने क्या गलत कहा, अगर RSS अपना आपको राजनीतिक पार्टी डिक्लेयर कर दे तो इसमें हर्ज क्या, बताइए। मायावती जी का स्वाभाविक है कमेंट करना, क्योंकि वो BSP के नेता है और एक दलित परिवार के साथ में न्याय होगा तो उनका बोलना उचित मानता हूँ, मैं स्वाभाविक मानता हूँ। तो मोदी जी जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, उनकी पार्टी के राजस्थान 5 साल तक 2 अप्रैल की घटनाओं में क्या हुआ, 350 मुकदमे दर्ज हो गए एक दिन के अंदर, 350। तो दलित विरोधी कौन लोग हैं जनता जानती है। और मायावती जी के बोलना स्वाभाविक मानता हूँ मैं, और मैं समझता हूँ कि हमें किसी को एतराज भी नहीं।